राजधानी रायपुर के टिकरा पारा में सेन समाज के एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की इस मामले में सेन सेवा समाज समिति के प्रदेश अध्यक्ष व वैशाली नगर विधायक रिकेश सेठ ने संवेदना व्यक्त की और शोक जताते हुए प्रतिक्रिया दी। मेरे समाज सेन समाज के 3 लोगों जो मेरे से पारिवारिक व्यक्तिगत संबंध थे, लखन सेन, रानू सेन उनकी पत्नी और पायल सेन जो उनकी बेटी है 14 साल की, ये तीनों ने आत्महत्या कर ली है। ये हमारे समाज के लिए बड़ा पीड़ा का वक्त है। मैंने पहले ही आज से 1 हफ्ता पहले कहा था कि समाज के किसी को भी अगर आर्थिक स्थिति से कोई कमज़ोर है तो उसके लिए रोजगार मेला का आयोजन 10 जनवरी से चालू होने वाला था। और मैंने ये भी कहा है, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, वो समाज का व्यक्ति सीधा मुझसे मिल सकता है। उनकी आर्थिक समस्याओं को भी दूर करने का काम करेंगे, उनको रोजगार दिलाने का भी काम करेंगे। लेकिन इस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं सोचने पे हमको विवश करता है कि हमें इतनी जल्दी हार नहीं मानना है। और प्रशासन है, शासन है, वहाँ पे अपनी बातों को आप रख सकते हैं। मैं अपने समाज की ओर से, अपने तरफ से तीनों को विनम्र श्रद्धांजलि करता हूँ। और समाज के तरफ से एक जांच कमेटी बनेगी और समाज के 10 लोग इस जांच कमेटी में, अलग अलग जिले से लोग वहां पे जाएंगे। हो सकता है इसमें कोई बड़ा कारण भी हो, क्योंकि तो कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। हो सकता है हम आत्महत्या का स्वरूप समझ रहे हों, लेकिन जांच के बाद पता चला कुछ और भी हो सकता है। तो इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से 10 लोगों की कमेटी जाँच करेगी, सेन समाज के लोग, और मेरे पास वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। और मैं मेका हॉस्पिटल जहाँ पे उनका पोस्टमार्टम हो रहा है उस जगह पे मैं मौजूद था। वहाँ पे मैं सबसे मिला, डॉक्टरों से मैंने बात किया और मैंने अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 2 दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद तत्काल कार्रवाई की जाएगी। समाज के लोग, सभी लोग, उस परिवार के लिए जो भी आवश्यकता पड़े उसके लिए हम सबको खड़ा रहना है। जय संत सिंह जी महाराज की जय।